Hey guys, welcome back to my channel Harman Beauty. So आज मैं थोड़े सारे ने ले एक मेकअप वीडियो लेके आई हूँ. सो जिवें कि थोनू पता ही हैगा कि करवा चौथ आने वाला है, हुण किते भी पार्लर वगैरह जाने की लोड़ नहीं हैगी. सो तुसी अपना मेकअप खुद कर सकते हो करवा चौथ दे लई. एंड मैं यह लिवेंडर कलर का सूट पाया है. एंड यह मेरे पेज तो थोड़ा मिल सकता हरमन डिजाइनस तो. एंड मैं थोड़ा फुल सूट बाद दिखाऊंगी जो मैं सारा मेकअप कंप्लीट कर लिया. हूँ आप स्टार्ट करते हैं मेकअप. एंड मेकअप स्टार्ट करने तो पहला मैं अपने लैंसेस पाऊंगी. सो इतने मैं यूज़ कर रही हूँ TTDI के कॉन्टैक्ट लैंसेस. सो अज मैं जो शेड ट्राई करूँगी वो हैगा जी रियल इंडिया. सो ये वाला शेड मैं ट्राई कर लगी हाँ अच्छा रियल इंडिया. बहुत ही ज़्यादा सोहना शेड हैगा. सो मेरी आउटफिट के नाल भी पूरा मैच करूँगा. इदा की पैकेजिंग होंगी इन दी बहुत ही प्यारा है. लैंसिस बहुत ही ज़्यादा ग्रेस आती है. सो तुसी करवा चौथ के लिए ट्रू ड्रामेटिक मेकअप भी नहीं करना, थोड़ा जहा नैचुरल ही रखना. एंड जिन्हों का नवा नवा विआह होया वह जरूर सोहने सोहने बने हो. एंड क्योंकि शौक हों सारू कि फर्स्ट टाइम रेडी होना करवा चौथ के लिए, राइट. सो तुसी सोहना सोहना तैयार होयो. एंड जो थोड़ी वीडियो वधिया लगी दैन कॉमेंट करके दस्यो. एंड जिन्हें जिन्हें ने लुक ट्राई की मैंने कॉमेंट सैक्शन के दस्यो. एंड तुसी मैंने इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो जिन्हें जिन्हें ने मेकअप लुक ट्राई की. सो तुसी इदा डाउन देखना, थोड़ा रोटेट करना इसनों इदा. सो बहुत ही ईजी आ. तुसी कलर देखो कितना प्यारा. सो मेरी आउटफिट के नाल मैच करता, दैट्स वाई मैं थोड़ा जहा ब्लू शेड के विच अज गई हैगी. सो यदा नाम हैगा जी रियल इंडिया. सो जिन्हें जिन्हें ने लाइक किया मैं डिस्क्रिप्शन के विच इन्हां दा लिंक पा दूंगी. सो तुसी इत्थों बाय कर सकते हो. ओके जी, आपां हुण लैंसेस ऑलरेडी पा लिया. हुण आपां स्टार्ट करांगे अपनी प्रैपिंग अपनी स्किन की. सो पहला मैं इत्थे यूज़ करन लगी हाँ लॉरा मर्शियर का इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन प्राइमर. सो जिहड़ा ये प्राइमर हैगा इहदे नाल तुहाडी स्किन दे विच थोड़ी जी शाइन आ जाती है. सो जिन्हां नूं ड्यूई मेकअप वधिया लगता उह इह वाला जरूर ट्राई करके देखन. सो मैं अपने हैंड के बैक के उपर थोड़ा जहा प्राइमर लगा लिया है. एंड तुसी इन्हें फिंगर टिप्स की हेल्प के नाल लगा सकते हो और तुसी ब्रश नाल भी लगा सकते हो. अज आप थोड़ा जहा ड्यूई मेकअप करना है. एंड तुसी अपनी स्किन के विच प्राइमर नू अब्जॉर्ब होन देना अप टू 2 to 3 minutes. फिर आप स्टार्ट करांगे अपना आई मेकअप. देखो मेरे फेस से ऑलरेडी बहुत सारी शाइन आ गई है जस्ट एक प्राइमर लगाने दे नाल. सो जिहड़ा ये प्राइमर सीगा मैं फिर मैंशन कर दिनी हाँ, यह सीगा लॉरा मर्शियर का इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन प्राइमर. करांगे अपनी आईब्रोज बनानियां. सो मैं इतने मॉर्फी का पोमेड जैल लिया है एंड एक एंगल ब्रश लिया. सो ये मैं अपनी आईब्रोज बनानियां स्टार्ट करूँगी. सो तुसी इन्हें फिल कर दे जाना बैक तो तुसी हमेशा स्टार्ट करना एंड फ्रंट तो जस्ट ब्रश आउट करना. जिमें कि तुसी देख सकते हो मेरी थोड़ी जी आईब्रोज से ग्रोथ आई है हेयर की. सो तुसी उन्हां दी वरी नहीं करनी, तुसी अपना जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है एंड इन्हों आपां कंसीलर दे नाल हाइड कर देवांगे. सो कई फ्रेंड्स का क्वेश्चन हुंदा कि जे आईब्रोज से जिहड़ियां नहीं करवाउंदियां जां वी जे आईब्रोज से ग्रोथ आ जावे दैन तुसी उन्हों कंसीलर नाल हाइड कर सकते हो. सो तुसी देख ही सकते हो डिफरेंस. जे थोड़े तो एक्सेस के विच लग भी जाए दैन तुसी इदां स्पूली की हेल्प के नाल इन्हों ब्रश आउट कर देना जिहड़ा एक्सट्रा थोड़े तो लग्या. सो उहदे नाल ब्रश आउट कर देना एंड इन्हों ब्रश की हेल्प के नाल लगावांगे आपां. ओके सो तुसी ब्रश के नाल इनू प्रॉपर शेप देनी है. सो इदा करके ये थोड़ी जी आईब्रोज है बहुत डिफाइन लगन गिया प्लस जिन्हें थोड़े एक्सट्रा हेयर है गया, सो वह भी हाइड हो जाने. ठीक है जी, समझ लग गई सारे नू इत्थे तक इदा. ठीक है जी. सो सेम टू डिसाइड तो तुसी किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर दे नाल इनू ब्लेंड कर देना प्रॉपर.
अच्छी तरीके दे नाल इनू ब्लेंड करना है। एंड तुसीं इनू एक शेड लाइट ही लगाना तां कि जिन्ने भी आपां कलर अप्लाई करिए उह सारे अपने वाइब्रेंट होन, सारे उठ के आउण। मैं सिर्फ एक ही पैलेट दे नाल तुहानूं सारी आई लुक करके दिखाऊंगी। प्यारे कलर्स हैगे इहदे विच। सो जिवें कि मैं अज सूट लेवेंडर कलर दा सूट पाया, सो आपां अज इह वाला शेड यूज़ करांगे। एंड थोड़ा जिहा आपां शिमरी जिहड़ा आपां शिमर यूज़ करांगे उहदे लई आपां इह वाला शेड यूज़ करांगे। सो मैं आउटर क्रीज दे लई यूज़ करन लगी हाँ लिब्रा शेड। सो ये थोड़ा जिहा लेवेंडर शेड दे विच ही हैगा, सो मेरे सूट नाल मैच करूगा प्रॉपर। बिल्कुल लाइट अपने ब्रश नूं हिलाउणा आ। एंड तुसीं अपने ब्रश नूं सर्कुलर मोशन दे विच इदां इदां करना। सो सर्कुलर मोशन दे विच जेंटली अपने ब्रश नूं हिलाउणा, उन्ना थोड़ी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वधिया होगी, उन्नी ब्लेंडिंग थोड़ी वधिया होगी। सो देख सकते हो तुसीं। एंड अगेन मैं थोड़ा जिहा शेड लूँगी, फिर मैं आउटर कॉर्नर तो स्टार्ट करूँगी, इनर कॉर्नर वाल जाऊँगी लाइक दिस। सो नैक्सट शेड जिहड़ा मैं पिक करन लगी हाँ वह हैगा जी हॉट मैस। सो ये वाला शेड थोड़ा जिहा जी डार्क हैगा, सो ये आप जस्ट आउटर कॉर्नर पर करांगे विद सेम फ्लफी ब्रश। सो जिहड़े ये ब्रश सैट हैगा जी, ये हैगा जी मॉर्फी तो। सो तुसीं मॉर्फी दी साइड ते जाके ये वाला ब्रश सैट लै सकते हो। एंड देखो ठीक है जी, सेम ऑन दिस साइड जस्ट आउटर कॉर्नरस ते थोड़ा जिहा डार्क शेड, ता कि जिहड़ी अपनी आई दी शेप वधिया आवे, उभर के आवे अपनी आईज। मैं लगाऊंगी शिमर ये वाला। सो तुसीं ये अपने हैंड्स नाल भी लगा सकते हो और इदां दा कोई भी फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो। सो मैं ये वाला शिमर सुपर मून यूज करन लगी हाँ, फ्रंट तो लैके इनर कॉर्नर तो लैके अपने हाफ ऑफ द आई तक। सो बहुत ही सोहना शेड हैगा ये, बहुत ही सोहना है देखो। सो इहदे नाल थोड़ी आईज होर भी वड्डियां लगनियां। बिल्कुल आपां सिंपल आई मेकअप करन लगे हाँ, बिल्कुल सिंपल जी लुक, क्योंकि करवा चौथ तुसीं जिन्ने सिंपल मेकअप करोगे, नैचुरल मेकअप करोगे, उन्ने तुसीं सोहने लगोगे। ओके जी, सो ऑलमोस्ट कंप्लीट, तुसीं देख सकते हो। हुण आपां इहदे उपर लगावांगे विंग आईलाइनर। ठीक है जी, बहुत ही प्यारा लग रहा शेड जिहड़ा मैं यूज़ किया है। विंग आईलाइनर मैं लगाउण लगी हाँ। सो मैं स्टार्ट करूँगी अपने बैक तो। सो तुसीं बिल्कुल इत्थों स्टार्ट करके एक विंग बनाना है, बैक तो तुसीं बिल्कुल लाइट रखना। ठीक है जी, सो इदा करके इतों इदा छड़ देना। दैन तुसीं इनर कॉर्नर तो लैके ड्रैग करनी एक लाइन बैक तक। सो इनर कॉर्नर तो लैके इनर कॉर्नर तो लैके देखो जिवें मैं लगाया, तुसीं ज़्यादा मोटा नहीं करना। सो तुसीं बिल्कुल एक थिन जी लाइन लगानी है बैक तक। एंड तुसीं इत्थों कनैक्ट कर देना इदा देखो। सो जिहड़ी विच जिन्नी भी स्पेस हैगी उहनू तुसीं फिल आउट करना। हुण बहुत ही ईजी हैगा विंग आईलाइनर, पर मेरे कई फ्रेंड्स डरदियां विंग आईलाइनर लगाउण तों, पर जिन्नी तुसीं प्रैक्टिस करोगे ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਵਿੰਗ ਲੱਗਿਆ। सो एंड तुसी एक होर चीज़ करनी है, तुसी फ्रंट तो भी निक्का जा इदा करके विंग लगा सकते हो। देखो इहदे नाल थोड़िया आईज बहुत ही सोहनिया लगनगिया। ठीक है जी, सो सेम तुसी इधर वाली साइड अप्लाई कर। ओके, सो अपना विंग लाइनर भी हो गया कंप्लीट।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸ। ਸੋ ਫੇਸ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸੈਂਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਸੇਮ ਸ਼ੇਡ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪ 'ਤੇ ਨਾ ਸੂਟ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ 100% ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਰਕ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਪਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਨੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਲੇਟ ਟਿਲਬਰੀ ਦਾ ਏਅਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਫਿਨਿਸ਼, ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ 'ਤੇ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਉ, ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਕਰੈਕਟਰ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨਫ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫੋਰਾ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕ 'ਤੇ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੋਰਿੰਗ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਲਿਫਟਿਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੋਰਿੰਗ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਅੱਪ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਡਾਰਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਡਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਕ ਲੱਗਣਾ ਫੇਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਫੋਰਹੈਡ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਰਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਆ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ ਮੋਰਫੀ ਦਾ ਪੈਲਟ ਫੋਰ, ਮੈਂ ਮੋਰਫੀ ਦੇ ਪੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਲਗਾਉਂਗੀ ਬਲੱਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਵੈਂਡਰ 'ਚ ਕਲਰ ਸੂਟ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਜਾਂ ਹੀ ਪਰਪਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹੀ ਬਲੱਸ਼ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਸੀ
ठीक है जी, इदां करके। एंड दैन आप लगावे हाईलाइटर, एंड इतने मैं यूज कर रही हूँ लॉरा मर्शियर द हाईलाइटर पाउडर। सो ये बहुत ही ज़्यादा वधिया आ। सो दिस वन, सो ये जिहड़ा पाउडर हैगा ना, सो कई बार मेरे फ्रेंड्स नूं हुंदा कि बहुत सारे हाईलाइटर्स ट्राई कर ले पर फेस ते उन्नी ग्लो नहीं आउंदी। सो तुसीं ये वाला एक बार जो ट्राई करके देखियो। सो मैं एक फैन ब्रश के उपर लै रही हूँ अपना हाईलाइटर, एंड सी द रिजल्ट्स, सी किन्ना ज़्यादा इहदे विच शाइन हैगी आ। सो ये बहुत ही ज़्यादा वधिया हाईलाइटर आ। सो जस्ट एक कोट ही इनफ होना। सो तुसीं दोनों साइड्स हाईलाइटर लगा लो, एंड अपने नोज से थोड़ा सा फोरहेड से एंड चिन से, ताकि अपना सारा फेस ग्लो करे। ठीक है जी, एंड ये हो गया जी हाईलाइटर। हुण आपां करांगे अपनी लोअर लैश लाइन प्लस आईलैशेस। सो लोअर लैश लाइन के लिए मैं सेम पैलेट यूज करूँगी, एंड मैं जिहड़ा सेम शेड मैं आउटर कॉर्नर ते लिया सी हॉट मैस, उहनूं मैं अपने लोअर लैश लाइन ते लगाऊंगी। सी जदों तुसी लोअर लैश लाइन करदे हो फिर ही थोड़ी लुक कंप्लीट होंदी है, अदरवाइज ये तो बिना थोड़ा फेस ऐसे मास्क जिदा तुसी लगाया होंदा ना कोई उदा लगना। सो तुसी लोअर लैश लाइन कदे भी स्किप नहीं करना। एंड इस तो बाद मैं एक फ्लफी ब्रश के नाल थोड़ा जा जिहड़ा मैं पहला शेड लिया सी लिब्रा शेड के नाल इहनू ब्लेंड करूँगी इदा। सी ओके, हुण आपां लगावांगे आईलैशेस, एंड आपां पावांगे कजल। आईलैशेस दे लई मैं इत्थे यूज कर रही हाँ कैला दी लैश ग्लू। इहनूं तुसीं 2 मिनट ड्राई होण देना, एंड दैन अपनियां आईज नूं थोड़ा जिहा डाउन देख के इहनूं प्लेस कर देना। आईलैशेस दे नाल लुक देखो किन्नी ज़्यादा चेंज हो जाती है। सो तुसीं आईलैशेस नूं स्किप नहीं करना। ओके, सो अपनी करवा चौथ की लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगी है। बस आप इस तो बाद लगावांगे लिप कलर। सो जिहड़ियां फ्रेंड्स मेरी लिप कलर थोड़ा जा लाइट लाइक कर दिया ने लाइट लगा सकदियां ने, डार्क लाइक कर दिया डार्क, एंड सेम ऑन दी अदर साइड। सो जो लैशिज लग जान तुसी इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर थोड़ा जि प्रेस करना कि ताकि बाद दे विच थोड़ा उठ ना जाए। एंड ये हो गया जी अपनी आईलैशिज। सो आईलैशिज ना लुक कंप्लीटली चेंज हो गई अपनी, एंड हुण आपां लगावांगे सोहना जिहा लिप कलर। सो जिवें कि मेरा सूट तुसी देख ही सकते हो थोड़ा जिहा लाइट है, इहदे विच कोई शेड भी इदां दा है नहीं। सो मैं जाऊँगी अगेन ब्राउन कलर दे नाल, न्यूट कलर दे नाल। सो और आप पिंक कलर भी लगा सकते हैं। सो अच मैं थोड़ा एक अपना फेवरेट पिंक कलर लगा के दिखाऊंगी। एक्सपेंसिव भी है नहीं, थोड़ा चीप रेंज के मैं थोड़ा दिखाऊंगी कि अफोर्डेबल लिप शेड थोड़ा दसूंगी। सो तुम कि यूज कर सकते हो। सो अच जो मैं लिप शेड यूज कर लगी यहाँ नेम हैगा एसेंस, एंड यदा शेड नंबर हैगा या डेट प्रूफ, बहुत ही ज़्यादा वधिया। सो जस्ट आई थिंक $5 का ही आ। सो हम आप लगावे करवा चौथ, तुसीं डार्क लिप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स डार्क लिप लाइक कर दियां ने, सो जिवें कि रैड, सो जिन्हां ने रैड सूट पाउना ऑफ कोर्स वो तो रैड लगानगियां, जां फिर रैड दे नाल ब्राउन भी बहुत चलदा। सो तुसीं कोई भी लिप शेड ट्राई कर सकते। सो एंड कईआं दे इहदे विच रिव्यूज हैगे सी कि बहुत ही ड्राई हैगा जां किद्दां है ना, लोंग लास्टिंग नहीं हैगा, पर मेरे लिए मैनू लिप्स भी बहुत सोहने लगते हैं, तो मैं पार्टी के लिए भी इन्हू यूज़ करा दी हाँ। सो जिन्हें भी लोंग लास्टिंग नहीं लगता, सो इन्हों कैरी कर लो तो फिर दोबारा लगा लो है ना 4-5 घंटिया बाद, पर मेरा सारा दिन नहीं उतरता। सो मेरे लिए तो बहुत ही वधिया शेड हैगा। सो तुहानू मैं सारा लगा के दिखाऊंगी, तुसीं कलर देखियो किन्ना सोहना। बाकी गर्लिश जिहा कलर हैगा पिंक है ना, सो सोहना लगता। अपनी लुक होगी कंप्लीट।
लिप शेड जरूर दस्यो मैनू कि $5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਪ ਸ਼ੇਡ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਕਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ ਮੈਕ ਦੀ ਪਲੱਸ ਕਵਰ ਐਫੈਕਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਵਰ ਐਫੈਕਟਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਪਰੇਅ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਫੈਕਟਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਪਰੇਅ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ? ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਟ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਕਅਪ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ। ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਲੈਸ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਮਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਐਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹਰਮਨ ਜੇਰੀ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਚੁੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਸੋ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਅਰਿੰਗਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਫੁੱਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਏਅਰਿੰਗਸ ਹੈਗੇ। ਫੁੱਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਏਅਰਿੰਗਸ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗਸ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁਕਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਕ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਚੂੜੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਦੁਪੱਟਾ ਐਂਡ ਸ਼ਰਾਰਾ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰਮਨ_ਜੇਡੀ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ।